सबसे पहले हम इस वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेंगे पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके बाद हम ऐड फोटो में जाएंगे और इसमें हम टू फोटो ऐड करेंगे। पहला ये वाला फ़ोटो को ऐड करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे जितना चाहिए हमें। एडजस्ट करने के बाद फिर हम इसे इरेजर टूल्स में जाएंगे और इसकी हार्डनेस थोड़ा सा बढ़ाएंगे और साइज को बढ़ाएंगे। तो उसके बाद इसे हम इरेज कर देंगे जितना हमें चाहिए था। तो इसे हम इरेज कर देते हैं थोड़ा, हाँ हाथ में भी। इरेज करने के बाद हम यहाँ से डन कर देंगे। डन करके इसे थोड़ा बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर ऐड फोटो में जाएंगे। इसके ऊपर फिर हम और एक मॉडल पीएनजी लेंगे, ये वाला लेने के बाद से फिर हम इसे एडजस्ट करेंगे हमें जितना चाहिए था। करने के बाद फिर से हम इसके एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट जाने के बाद इसके थोड़ा ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करेंगे और इसकी सैचुरेशन को भी थोड़ा कम करेंगे। करने के बाद फिर हम यहाँ से डन कर देंगे। फिर से डन। डन करने के बाद से फिर हम ड्रॉ टूल में चले जाएंगे। ड्रॉ टूल में जाने के बाद से फिर हम लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद यहाँ से एम्प्टी लेयर लेंगे। एम्प्टी लेयर लेने के बाद ये पहला लेयर में ये ब्रश में जाकर यहाँ पे हल्का सा एक लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद फिर हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करेंगे इसे बड़ा करेंगे इस तरह से, और बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद से फिर थोड़े से हम नीचे लेकर आएंगे। नीचे लाने के बाद यहाँ से डन करके इसकी ऑपेसिटी को हम कम कर देंगे। अरे हो जाएगा, कम करेंगे। फिर से हम इसे थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। इतना फिर डन कर देंगे। डन करने के बाद से फिर यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से हम ऐड फोटो में जाएंगे और इसमें कुछ पीएनजीस लगाएंगे। ऐड फोटो में जाकर कहाँ गया, ये वाला पीएनजी को इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करके इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद से फिर हम यहाँ से एडजस्ट करने के बाद से फिर हम यहाँ पे ब्लेंड में जाएंगे। फिर से हम स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद से फिर हम यहाँ से इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से हम ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद से फिर हम उस फोटो को ऐड करेंगे। कहाँ गया, इस वाले फ़ोटो को ऐड करके इसका फिर हम एड्रेस में जाएंगे। एड्रेस में जाने के बाद ये इसका जो कहाँ गया, ये टेम्परेचर जो है इसको हम हाई कर देंगे। पूरा हाई करने के बाद हम यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर हम ब्लेंड में जाके इसे स्क्रीन कर लेंगे। स्क्रीन करके यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ से डन कर देंगे। तो गाइस पिक्सार्ट का काम यहीं पे ख़त्म होता है। तो फिर हम इसे कलर रिडक्शन करने के लिए हम इसे लाइट रूम में लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रो टूल में जाकर इसे आराम से यहाँ पे शेप इमेज कर लें। तो गाइस हम अपने फ़ोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद से फिर हम इसे लाइट्स में जाएंगे। लाइट्स में जाने के बाद थोड़ा इसका एक्सपोजर जो है उसे हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा कम करेंगे। कॉन्ट्रास्ट करने के बाद इसके हाईलाइट को थोड़ा बढ़ाएंगे। हाईलाइट के बाद इसके शैडो जो है शैडो को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फिर इसके वाइट्स को बढ़ाएंगे और ब्लैक्स को थोड़ा कम कर देंगे। उसके बाद हम नीचे वाले टूल्स में जाएंगे इसके टेम्परेचर वाले में। उसके बाद हम यहाँ पे एस्ट्रो जो है इसे हम कस्टम कर देंगे। कस्टम करने के बाद मिक्स टूल्स में जाएंगे और इसका जो फेस कलर है ऑरेंज वाला, इसकी सैचुरेशन को कम करके लुमिनस इसके बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इसका जो नीला जैकेट है ये वाला, इसकी हम सैचुरेशन को बढ़ाएंगे और लुमिनस को इसे कम कर देंगे जिससे डार्क लगे। उसके बाद से फिर हम यहाँ से डन करके फिर हम इसके नीचे वाले टूल्स में जाएंगे। इसके टेक्सचर थोड़ा बढ़ाएंगे और क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ाएंगे। फिर हम इसके बिगनेट को थोड़ा कम कर देंगे। कम करने के बाद से फिर हम इसके नीचे वाले टूल्स में जाएंगे। इसके शार्पनिंग को बढ़ाएंगे थोड़ा सा कम। फिर इसके डिटेल फुल कर देंगे। फिर नॉइज रिडक्शन को बढ़ाएंगे थोड़ा। फिर से डिटेल फुल कर देंगे। फिर कलर नॉइज रिडक्शन को बढ़ाएंगे थोड़ा सा। फिर इसके डिटेल भी फुल कर देंगे और स्मूथनेस भी फुल कर देंगे। करने के बाद गाइस आप देख सकते हो कि पिक्सार्ट एप्लीकेशन कुछ इस तरह से थे, अभी लाइट रूम में कुछ इस तरह से हो गई है। तो फिर हम यहाँ से इसे सेव कर लेंगे। हम
सेव टू डिवाइस। फिर हम इसे लेकर जाएंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जहाँ पे हम फुल एचडी में इसे सेव कर सकें। तो गाइस हम फिर से अपने फोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेंगे इस वाले को। फिर से हम यहाँ पे ऐड फोटो में जाएंगे और अपना हम लोगो इसमें लगाएंगे, इस वाले को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ से साइड में इसे लगा देंगे एडजस्ट करके। यहाँ इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद से फिर हम यहाँ पे ग्रो टूल में जाएंगे और सिंपली से हम फ्री डॉट्स में जाके आराम से इसे सेव कर लेंगे।